आज हम आपके लिए लाए हैं। व्यक्ति मरने के बाद स्वर्ग में जाता है या नर्क में, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। आप देख रहे हैं वासुदेव दर्शन। मैं राज गौड़ आपका स्वागत करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ताकि ऐसी नई वीडियो आप तक मिलती रहे। एक समय की बात है, एक साधारण ब्राह्मण थे। वे काशी पढ़कर आए, सिर पर पुस्तकें लदी हुई थी। शहर में होकर निकले तो वर्षा आ गई, पास में छाता था नहीं। अतः एक मकान के दरवाजे के पास जगह देखकर खड़े हो गए। उसके ऊपर एक वेश्या रहती थी। कुछ आदमी राम नाम सत्य है कहते हुए एक मुर्दे को लेकर वहां से निकले। उस वेश्या ने आवाज देकर एक लड़की को कहा कि जा पता लगाकर आ कि यह स्वर्ग में गया है या नर्क में। लड़की चली गई। पंडित जी ने सुना तो वहीं ठहर गए कि ऐसी कौन सी विद्या है जिससे मरने वाले का पता लग जाए कि वह कहाँ गया है। थोड़ी देर में वह लड़की आई और वेश्या से बोली कि यह तो नरक में गया है। इतने में दूसरा मुर्दा आया तो वेश्या फिर लड़की को भेजा। लड़की ने आकर कहा कि यह तो स्वर्ग में गया है। पंडित जी ने विचार किया कि मैं इतने वर्ष काशी में रहा, वहाँ कितनी किताबें पढ़ी, पर यह पता नहीं लगता है कि मरने वाला कहाँ गया। यह विद्या तो मेरे को सीखनी चाहिए। पंडित जी मकान के ऊपर चले गए। वेश्या ने देखा तो पहचान लिया कि यह मेरा ग्राहक नहीं है। उसने पूछा कि यहाँ कैसे आए। पंडित जी बोले, माताजी। वेश्या बोली, मेरे को माताजी मत कहो, मैं तो एक वेश्या हूँ। पंडित जी बोले, हमारे लिए तो माँ बहन या बेटी ही हो। वेश्या बोली, क्या बात है। पंडित जी ने कहा, तुमने लड़की से कहा कि पता लगा के आओ मरने वाला कहाँ गया है, तो उसने आकर कहा कि एक नर्क में गया है, एक स्वर्ग में गया है, यह क्या विद्या है, मैं जानना चाहता हूँ। वेश्या ने उस लड़की को बुलाया और कहा कि महाराज को बता, तूने कैसे परीक्षा की कि यह नरक में गया है, यह स्वर्ग में गया है। वह कहने लगी कि महाराज, वे मुर्दा लिए जा रहे थे तो मैंने उनसे पूछा कि यह कौन कहां से आया है, किस मोहल्ले का है। फिर मैं पता लगाकर उस मोहल्ले में पहुंची तो लोगों ने रोते हुए देखकर पता लग गया कि इस घर का आदमी मर गया है। उसके पड़ोसियों के घर जाकर सुना तो लोग कह रहे थे कि वह आदमी मर गया है, तो हम निहाल हो गए। वह सबकी चुगली करता था, चोरी करवा देता था, लड़ाई करवा देता था, झूठी गवाही देकर फंसा देता था, बहुत दुख देता था। मर गया तो बहुत अच्छा हुआ, आफत मिटी। ऐसी बातें मैंने कई घरों में सुनी तो आकर कहा कि वह नर्क में गया है। दूसरा मुर्दा आया तो उसका भी पता लगाकर मैं उसके मोहल्ले में गई। वहाँ लोग बातें कर रहे थे कि राम राम, गजब हो गया, वह आदमी तो हमारे मोहल्ले का एक प्रकाश था। वह संत महात्माओं को बुलाया करता था, सत्संग करवाता था, कोई बीमार हो जाए तो रातों में जागता था, किसी को कोई आफत आती तो उसकी तन मन धन से सहायता करता था। वह चला गया तो हमारे मोहल्ले में अंधेरा हो गया। ऐसी बातें मैंने सुनी तो आकर कहा कि वह स्वर्ग में गया है। पंडित जी बोले, अरे ये बातें तो हमारी पुस्तकें में भी लिखी है,
कि अच्छे काम करने वाले को सदगति होती है और बुरे काम करने वाले की दुर्गति होती है, पर यह बात हमारी अक्ल में क्यों नहीं आई? यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी नई वीडियो आप तक मिलती रहे।